भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज का वीडियो है आपका रीजनिंग पार्ट वन। तो मैथ के हमने 5 या 6 वीडियो बनाया था जो मोस्ट, उसके बाद रीजनिंग की शुरुआत है ये। इसमें आपका मिसिंग करेक्टर पार्ट वन है जो कई सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस टाइप को सबसे पहले प्रिफेस किया है। कोई ये सीक्वेंस में नहीं है कि लॉजिकल नॉन लॉजिकल, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस टाइप से, इसलिए मैंने इसको किया है। और सेकेंडली, मैं इस वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं, हो सकता है कि इस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसको आप पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम तो सेकेंडरी मैटर है, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद इसको ईजिली हल कर पाएंगे। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ, इस स्थान को पता कीजिए। तो पहले हम फिगर में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है, एक हुआ। तो अब अगर इस स्थान पे पता करने के लिए आप क्या क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं उसको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। मैं एक कहीं बुकों में लिखा हुआ राइट एंड स्टेटमेंट नहीं होता है कि ऐसे आपको पता करना है, बस एक सिक्वेंस होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस रीजनिंग में होता है कि इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लागू होते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर ट्रिपल वगैरह जितने भी होते हैं, आप मल्टीप्लाई से लेकर सारे रूल इसमें लागू होते हैं। और उसके बाद हम जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो रिलेटिव, देखिए सारे फिगर का एक रिलेटिव होता है। जैसे सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, आप देखेंगे इस फिगर में सर्कल है, फिर यहाँ देख सकते हैं एक ये चकोर सी आकृति दी हुई है, और तीसरा एक इसको भी डिवाइड किया हुआ है, मतलब इस में कॉम्बाइन तीन का है। तो अगर तीन का कॉम्बाइंड है तो आप देखेंगे, अब मैं एक इसको सबसे पहले स्टेटमेंट में इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, वैसे ही यहाँ एक दूसरी ग्रुप है और ये तीसरी और चौथी ग्रुप है। तो ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 3 एंड 3 सॉरी एंड ग्रुप 4, आप देख सकते हैं चार ग्रुप में है, उससे रिलेटिव करके आप इस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो कई लोग पहले ही भाग जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, तो आपको बेसिक 1 बाय 1 करना चाहिए। चलिए ये दो हो गया, हमने ग्रुपिंग कर लिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा स्मॉल नंबर से रिलेटिव में करेंगे। तो स्मॉल नंबर से आपको चेक करने से ये पता हो जाता है कि सारी गुना भाग बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो चलिए इस नंबर में हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2। अब 2 नंबर से रिस्पेक्ट में हम अगर करेंगे तो 2 को किस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे कि आपका 25 आएगा, ध्यान दीजिएगा इससे रिलेशन में लेना है। तो देखिए डायरेक्टली 225 नहीं आता है, तो आपको हेल्प के लिए इस कॉलम को भी यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास एक रास्ता दिख रहा है कि 25 कैसे आएगा, कैसे आएगा मैं यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए यहाँ से ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपके पास एक जगह 2 है और दूसरे जगह 3 है। तो हम इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जोड़ लगाएंगे तो 5 होगा, तो इसको हमने जोड़ लगा दिया, यहाँ पे आपके पास 5 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं है, 25 है। तो ध्यान दीजिएगा 525 लाने के लिए इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। सिमिलरली आप इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ गया। तो अब यहाँ देखिए टाइम को हमें कहाँ बचत करना होता है एग्जाम में। अब कई लोग सारे को करने लगते हैं, देखिए करने से नहीं पौधा है, अब यहाँ 10, 7, 17 और 17 को स्क्वायर करेंगे तो आपका 289 होगा, 15, 6, 21 के स्क्वायर करेंगे तो आपको 441 आएगा। वैसे ही 13, 12 को आपको कर देना है, 13, 12 अगर जोड़ेंगे पहले तो आपका 25 आ जाएगा, और 25 को स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ डी में दिया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है कि ये एक इसमें से इस स्थान को पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इस स्थान को पता करने के लिए हमें 2 टाइप के ऑपरेशन करने होते हैं जनरली, इस टाइप के जितने भी ये बॉक्स वाले होते हैं। इसमें या तो आपको इस डायरेक्शन में काम वर्क करना है या आपको इस डायरेक्शन में, यानी रो एंड कॉलम, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, मैं साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन चलते रहेगा। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले भी हम देखेंगे कि यहाँ से स्मॉल नंबर से कोई करते हैं कंपेरिजन, देखिए यहाँ 18 है यहाँ 27 है, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा। तो चलिए एक हम ट्राई करके इसमें देखते हैं, दो रिलेशन का इस और इस रिलेशन से अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 18 4 तो ये आने वाला नहीं है लास्ट वाले। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से ये आपका कॉलम वन में रो 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं और ये 3 को डिवाइड कर देते हैं। एक ट्राई बेस पे करते हैं, देखिए 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, 8 आता है। तो हमारे पास एक क्यू मिल चुका है, अब जब सोल्व करेंगे तो हम इसको थोड़ा विस्तार में देखेंगे। पहले हमारे पास एक क्यू मिल चुका है, उसके बाद सेम फॉर्मूला अगर इस पे लगाते हैं 18 × 3 और डिवाइडेड बाई 2, आप देख सकते हैं यहाँ 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा और 2 से डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो आपके पास कितने आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आपका ये 27 यहाँ दूसरे कॉलम में था, ये भी मैच कर रहा है इसका। तो आपको तीसरे में भी सेम एप्लीकेशन हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ सब फर्स्ट वाले में कितने दिए हुए हैं, 15 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपका 15 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता क्या करना है, वाट वाट के जगह, वाट के जगह पे हम यहाँ पे एक्स इसको कर देते हैं क्योंकि वाट लिखना थोड़ा दिक्कत है। और उसके बाद डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से, तो डिवाइड 5 से कर देते हैं। तो आप इसको सिंपल से यहीं से डिवाइड कीजिए, 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आपका आ जाएगा, 3। आंसर में आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन बी में ये आंसर मौजूद है। तो इस टाइप से हल करना है। अब क्वेश्चन थर्ड और लास्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी सिमिलर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फाइंड आउट नंबर करना है, तो सबसे पहले तो ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम इस रो के रिस्पेक्ट में जो भी करेंगे उसको करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक ए फर्स्ट रो में आपका इधर से करेंगे तो ये आपका कंडीशन सोल्व होने वाला नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 और 3 और 1 का रिलेशन कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे स्मॉल नंबर इसमें है, स्मॉल नंबर लाने के लिए क्या क्रिया करना पड़ता है, या तो डिवीजन करना पड़ेगा यानी या भाग करना पड़ सकता है या आपको घटाव करना है, दो ही कंडीशन में स्मॉल नंबर आएगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम घटाव से ही कर देते हैं क्योंकि आपका सब्सट्रैक्शन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 नंबर है, 23 22 और 2, एक किस कंडीशन में आ सकता है, यहाँ देखिए 23 में से 2 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 में 22 को क्या करना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक और कंडीशन है इसके लिए हमारे पास 23 माइनस 22 कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये भी सोल्व हमारा पर्पस सोल्व नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 22 प्लस 2 माइनस 23, देख सकते हैं आप यहाँ अगर इसको करेंगे 24 हो जाएगा, और ये 24 में से एक माइनस करेंगे 23 माइनस करेंगे आप तो 1 आ जाएगा, आपका एक ऑप्शन मिल चुका है। सेम इस पे इम्प्लाई कर देते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाले में भी अगर इसको इम्प्लाई कर देंगे तो कितने में, भी देखिए फर्स्ट वाले ये 2 को हमने जोड़ रखा था, इसको क्या किया था हमने जोड़ किया था और इसको हमने उसमें से माइनस कर दिया था, तो यहाँ भी कर देते हैं 40 और 5 45 माइनस 43 बराबर 2, फिर सिंपलर इसमें भी कर देते हैं 21 और 1, यहाँ अगर 21 और 1 को जोड़ेंगे तो 22 माइनस देख सकते हैं 20 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ ऑप्शन ए में मौजूद है 2 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी जी हल हो गया। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन हल करने हैं, केवल लॉजिक आपको समझना है कि इसमें क्या लॉजिक दिया हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 रो होगा तो आपको इजी करना बहुत इजी हो जाता है, 4 वाले में थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको रो और कलम का यूज करना है इस टाइप से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हेल्पफुल रहा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और साथ में अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।